भारत की बेस्ट सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन नवोदय विद्यालय समिति 2025 के डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशनल रिक्रूटमेंट के लिए अपना नोटिफिकेशन इस 15 जुलाई 2024 को जारी करने जा रहा है, जिसका एग्जाम आपको 30 सितंबर को देखने को मिलेगा और ज्वाइनिंग आपकी अगले मार्च 2025 में हो जाएगी। अब इस प्रोसेस के लिए अगर आप भी प्रेपरेशन करना चाहते हो तो उसके लिए आपको अपना सब्जेक्ट और एग्जाम पैटर्न जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टीचिंग पोस्ट पर जो भी स्टूडेंट्स अपियर हो रहे हैं उनके लिए हम इंग्लिश की डिटेल सिलेबस डिस्कशन और एग्जाम पैटर्न आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे, और जो भी स्टूडेंट टीचिंग प्लस नॉन टीचिंग पोस्ट के हैं उनको जनरल इंग्लिश का भी एक ब्रीफ आइडिया मिल जाएगा। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनना। अब हम देखते हैं, सबसे पहले तो एग्जाम पैटर्न हमारे टीजीटी का। इस पेपर में कुल 6 पार्ट्स हैं। पेपर का पैटर्न बिल्कुल ईएमआरएस के पेपर से मिलता जुलता है। पहले 4 पार्ट्स में आपको जनरल जो पेपर 1 ओवरऑल पूछा जाता है वहां से रिलेटेड आइडिया मिल जाएगा, जीके, रीजनिंग, आईसीटी एंड टीचिंग एप्टीट्यूड। 5वें पार्ट में आपका सब्जेक्ट कंसर्न्ड होगा, जो हमारा लास्ट प्रीवियस ईयर पेपर जहाँ से हम एनालिसिस करें उसमें पेडागॉजी एज सच नहीं पूछी गई है, लेकिन फिर भी हम लोग पेडागॉजी के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। उसके बाद में 6ठा पार्ट बताऊँ तो लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट है, जिसमें 3 लैंग्वेजेस हैं। लैंग्वेज 1 आपकी इंग्लिश कंपल्सरी है, 2 हिंदी कंपल्सरी है एंड 3 रीजनल लैंग्वेजेस में चॉइसेस दी जाएंगी, उसमें से एक आपको सिलेक्ट करना है। बेहतर यही रहेगा कि आप इन्हीं में से कोई एक लैंग्वेज को फिर से चूज कर लीजिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस। आपके पेपर 1 जो है, जो आपका जनरल पेपर रहेगा, ये 40 नंबर का है, 40 नंबर के 40 क्वेश्चंस। सब्जेक्ट कंसर्न 80 नंबर का है और लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट भी 10-10 नंबर के 3 लैंग्वेजेस हैं, तो 30 नंबर का, 150 नंबर के 150 क्वेश्चंस। टाइम लिमिट है 3 घंटा। अगर मैं पीजीटी के पेपर की बात करूं तो यहाँ पर फर्क सिर्फ रीजनिंग के वेटेज में है, 20 नंबर की रीजनिंग हो जाती है, और जो आपका लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट है इसमें रीजनल लैंग्वेज में चॉइस नहीं दी जा रही, तो ये 20 नंबर का बन जाता है। टोटल आपका सेम पैटर्न ही रहेगा, सेम सिलेबस है। तो अब इसकी शुरुआत करने से पहले अब मैं आपको बता देती हूँ, जो इंग्लिश की प्रेपरेशन करेंगे स्टूडेंट्स टीजीटी एंड पीजीटी पोस्ट के लिए, उनको अपनी इंग्लिश को डिवाइड करना है 3 पोर्शन में। ग्रामर भी 3 पोर्शन में विभाजित रहती है, ग्रामर, वोकैबुलरी एंड कॉम्प्रिहेंशन। जो भी स्टूडेंट जनरल इंग्लिश की तैयारी करेंगे उनको भी इसी पेपर के हिसाब से ही डिवीजन रखना है अपना, ग्रामर, वोकैबुलरी एंड कॉम्प्रिहेंशन। देखिए, सबसे पहले सिलेबस को मैं डिस्कस करती हूँ जनरल इंग्लिश वालों के लिए। जनरल इंग्लिश में जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है वहां से 5 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाता है और बाकी आपका ग्रामर एंड वोकैबुलरी रहता है, ठीक है। अब जो ग्रामर है उसमें फिलर टाइप क्वेश्चंस आ सकते हैं, आपके एरर स्पॉटिंग वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे DSSSB में एप्लीकेशन बेस्ड जो कंसेप्चुअल की एप्लीकेशन है ना उस पर आधारित क्वेश्चन, तो वही क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। और वोकैबुलरी के 2 क्वेश्चन वेटेज मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पर लास्ट में मैंने लिखी हुई है। जैसे जो हमारा जनरल पेपर था, अच्छा ओके राइट, यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, जो हमारा जनरल पेपर था उसमें जो सवाल है 5 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पूछे गए हैं, ठीक है, जो हमारा पेपर हमने पिछले वाला डाइसेक्ट किया है। उसके बाद 2 क्वेश्चन वोकैबुलरी के हैं एंड 3 क्वेश्चंस आपसे ग्रामर के पूछे गए हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से अपने वेटेज रखने कि आपको सब कुछ पढ़ना है बट उनमें से वो एक आध चीज बहुत ही सिलेक्टिव पूछी जाएगी। तो जैक ऑफ ऑल मास्टर्स ऑफ नन। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ टीजीटी एंड पीजीटी के सिलेबस की, जिसमें आपका पहला सेक्शन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का रहता है। 3 पैसेजेस मिनिमम पूछे जाते हैं एंड 20 नंबर की इसकी वेटेज रहती है, 20 मार्क्स। अब ये पैसेजेस आपके सोशियो इकोनॉमिकल, कल्चरल, फिनेंशियल, मल्टीलिंगुअल या फिर मल्टीलिंगुअल अप्रोच जो होती है या फिर मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच को पे आधारित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये कम्प्लीटली अनसीन पैसेज है, किसी बुक से, फेमस आर्टिकल से एक्सट्रैक्ट लिया जाएगा, वहाँ से आपसे सवाल पूछे जाएंगे, डायरेक्ट ग्रामर बेस्ड। नेक्स्ट हमारा पोर्शन आ जाता है राइटिंग एबिलिटी। राइटिंग एबिलिटी में जो भी आप 10th क्लास तक की लेटर राइटिंग, बिजनेस लेटर, फॉर्मल लेटर, रिपोर्ट राइटिंग, पोस्ट स्क्रिप्ट, तो वो जो भी हम लेटर या फिर जो भी राइटिंग सेक्शन में सेगमेंट करते थे ना, वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। EMRS एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, उसके पेपर्स और NVS के प्रीवियस ईयर पेपर्स को हम रेफरेंस मान के चलेंगे और उसी के अराउंड कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे और इनडेप्थ डाइव इन करेंगे। तो ये आपके कुछ राइटिंग है, कोई बहुत ज़्यादा
एनालिटिकल क्वेश्चंस नहीं है कि डेटा इंटरप्रिटेशन रहेगा, डायरेक्ट क्वेश्चंस है तो आपको निश्चिंत अटेम्प्ट करना है. नेक्स्ट बात करते हैं ग्रामर और उसके यूसेज की. ग्रामर के बेसिकली कुछ पार्ट्स होते हैं हमारे, जैसे बेसिकली पार्ट्स होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंसेज और उसका एप्लीकेशन. पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपका सब कुछ प्रिटी मच कवर हो जाता है. उसके बाद टेंसेज के एप्लीकेशन में वॉइस एंड नरेशन. ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट होता है ना उसमें सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पे आधारित एरर डिटेक्शन क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है. पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचानने वाले क्वेश्चंस आते हैं, पैरा जंबल्स पूछे जाते हैं, क्लोज टेस्ट क्वेश्चंस होते हैं, इन्हीं पे आधारित कुछ हमारे क्वेश्चंस होते हैं. फॉर एग्जांपल आपका हो गया टेंसेस, मोडल, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड, कनेक्टर्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच, डिटर्मिनर, सीक्वेंसिंग. इन्हीं में से आपको जो एनालिटिकल क्वेश्चंस है ना वो पूछे जाएंगे. तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट 360 डिग्री क्लैरिफाई हो और उस पर आधारित क्वेश्चंस हो. नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारा डी सेक्शन लिटरेचर. यहाँ पे टीजीटी वर्सेस पीजीटी दोनों का सिलेबस का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. इसमें आपके जो कंसर्न फैकल्टी ऐश्वर्या मैम वो डिटेल में आपसे सिलेबस डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि कैंडिडेट्स की जो फेमिलियरिटी है वो कौन से पीरियड से, कौन से ऑथर्स और उनके कौन से पोइट्स, कौन से वर्क्स, कौन से ड्रामेटिस्ट्स कि आपको ब्रीफ स्टडी करनी है, कौन से क्रिटिसिज्म आपको ढंग से पढ़ने हैं. तो इन सब की चर्चा जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि रोमांटिक पीरियड है उसमें शेली, वर्ड्सवर्थ, कीट्स, कॉलरिज, बायरन है. 19th and 20th century में अमेरिकन एंड इंग्लिश लिटरेचर की स्टडी आप इन ऑथर्स की करेंगे, ठीक है, इन पोइट्स की करेंगे. मॉडर्न इंडियन राइटिंग में आपको अनीता देसाई, विक्रम सेठ, निसिम, के एन और रस्किन बॉन्ड, तो इन सब की आपको स्टडी करनी है. तो इन सब के बारे में आपको ब्रीफली डिस्कस करेंगे आपसे ऐश्वर्या मैम. नेक्स्ट टीजीटी का जो सिलेबस है वो कैसे टीजीटी से अलग है, कैसे उन दोनों को एक जर्नी तक साथ प्रिपेयर कर सकते हैं, कैसे आपको थोड़ा सा और इन डेप्थ पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक या फिर यूजीसी नेट का वो जो एक्सट्रैक्ट लिया गया है ना वो जो एलिमेंट है उसको हम कैसे कट शॉर्ट कर सकते हैं, जैसे शेक्सपियर के वर्क्स है रोमांटिक पीरियड में क्या कैसे अलग है हमारा टीजीटी, वो सब आपका डिस्कस होगा शॉर्टली. तो अब मैं बता देती हूँ जो हमारा एनवीएस टीजीटी 2022 का पेपर है ना उसमें क्या क्या वेटेज रही है ग्रामर वर्सेस लिटरेचर की. तो यहाँ पर 20 क्वेश्चंस आपके कॉम्प्रिहेंशन के ग्रामर में आ गया, 5 क्वेश्चन राइटिंग सेक्शन के अगेन ग्रामर में आ गया, 27 क्वेश्चंस आपके डायरेक्ट ग्रामर से पूछे गए हैं, 8 क्वेश्चन वोकैबुलरी के हैं. ये टोटल सेगमेंट आपका मेरे थ्रू कवर होगा और इसके अलावा पेडागॉजी की अगर रिक्वायरमेंट होगी तो वो भी मैं आपका कवर करूंगी 80 नंबर में से. और जो लिटरेचर का सेक्शन है उसमें 20 क्वेश्चन आए हैं. मैटर ये करता है कि आपको कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, यूनिडायरेक्शन होके पढ़ना है या एम्बिग्यूस आपकी पढ़ाई होनी चाहिए, तो उन सब की डिस्कशन आपको चैनल पे मिलेगी. तो हाउ का मैं आंसर आपको बता देती हूँ. स्टूडेंट्स ढूंढते हैं कि तैयारी अब करें कैसे, हमारा कॉल टू एंड एक्शन होना क्या चाहिए. एक्शन ये होना चाहिए कि आपके पास 4 months है, 4 months एंड टारगेट अपना बना लो कि सितंबर में एनवीएस हमारा क्लियर हो और मार्च में ज्वाइनिंग हो, ठीक है. डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपने कलेक्ट करके रख लो ताकि जब फॉर्म फिलिंग का के प्रोसेस शुरू हो तो आप पैनिक ना करो. तो वो सारी चीजें कीपिंग दैट असाइड, 4 months में आपको ग्रामर, वोकैबुलरी, लिटरेचर, कॉम्प्रिहेंशन, राइटिंग एंड पेडागॉजी ये सब पढ़ना है. इनकी क्लासेस, फ्री क्लासेस आपको थोड़े टाइम के लिए शॉर्टली यूट्यूब पे मिलेंगी. उसके बाद जो भी स्टूडेंट्स हमारे बैचेस में जुड़ना चाहते हैं वो नीचे कमेंट सेक्शन में एक नंबर पिन किया हुआ होगा, वहाँ पे जाके आप कॉल कर सकते हो, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी. नीचे जो भी स्टूडेंट्स फॉर्म फिल करेंगे गूगल फॉर्म का लिंक है उसे फिल कर दो ताकि हम फ्री स्टडी मटेरियल एंड रिसोर्सेज आप तक पहुँचा सकें और जो भी गाइडेंस की आपको रिक्वायरमेंट है, मेंटोरशिप की आपको रिक्वायरमेंट है वो आपकी फुलफिल होगी. तो ऐसी ही और जानकारी के लिए अगर आपको एलिजिबिलिटी जाननी है, एज लिमिट जाननी है, कट ऑफ जाननी है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जानने हैं, उन सब डिटेल्स के लिए और जो भी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की आवश्यकता है वो सब जानने के लिए जुड़े रहें टीचर्स अड्डा यूट्यूब चैनल पर. थैंक यू सो मच. वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिएगा.